great. I'm Kanchana, certified fitness trainer and nutritionist, as well as I'm doing masters in dietetics and food and nutrition management. आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चैलेंज का अनाउंसमेंट करने के लिए, और ये चैलेंज है ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज. दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक माई अदर चैलेंजेस, जिसमें लोगों ने भयंकर वेट लॉस किए हैं. 14 डेज का चैलेंज है, तो वहां पे लोगों ने 7-7 केजी कम कर लिया है, 10-10 केजी कम कर लिया 14 डेज में. उसके प्रूफ भी मैं लगा लेती हूँ स्क्रीन में, आप लोग देख लेना. बहुत ही वेल नोन है कंचन राय के चैलेंजेस. तो अगर आप भी चाहते हो 2021 में 14 डेज के अंदर अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, देन यू गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम एंड ज्वाइन दिस चैलेंज राइट नाउ. तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि ये जो चैलेंज है मैं कब से शुरू कर रही हूँ, कितने दिन का है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, एवरीथिंग यहाँ पे समझाऊंगी, सो डेट कि मुझे फर्स्ट डे की वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करना पड़े बोल के. तो बिना बात के आप लोग को रूल समझा देती हूँ कि ये 14 डेज का सबसे पहला चैलेंज है, ठीक है. इसका नाम है वैलेंटाइंस डे 14 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज. बट इस चैलेंज का नाम वैलेंटाइंस डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज इसीलिए है क्योंकि ये टाइम है खुद के लिए कुछ करने का. हमेशा हम लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके लिए करते हैं, दूसरों के लिए गिफ्ट लेते हैं, ये करते हैं. क्यों ना इस बार आप खुद के लिए कुछ करो, खुद को ही क्यों ना गिफ्ट करो कुछ अमेजिंग सी चीज, एक न्यू वर्जन खुद को गिफ्ट करो. इस फरवरी में आप खुद को ही एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे सकते हो, और वो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके. और आपके फैमिली के लिए और आपके लिए इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं होगा कि आप कुछ खुद के लिए कर रहे हो. इट्स टाइम टू शो लव टू योर सेल्फ इस 14 फैब में, खुद को गिफ्ट करके एक न्यू वर्जन ऑफ यू. ओके, तो ये चैलेंज को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है. आप टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग हो, आप ऑफिस गोइंग हो, हाउसवाइफ हो, हर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है. और ये चैलेंज का स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2021 और एंडिंग है 14 फरवरी 2021. तो यहाँ पे है ये 14 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जिसमें आपका फुल बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा. कोई भी आपका प्रॉब्लमेटिक बॉडी पार्ट है, वेदर इट इज फेस फैट है, डबल चिन है आप, या बैक फैट है, बस्ट साइज रिड्यूस करना चाहते हो, आर्म फैट रिड्यूस करना चाहते हो, या फिर बेली फैट आपको बहुत है, हिप साइज काफी है, थाइज एरिया काफी है, काफ एरिया, एंड एनीथिंग, कोई भी दिक्कत है आपको, ये सारे इशू ओवरऑल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन इस चैलेंज में होगा. कैसे, अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या रहेंगे. यहाँ पे आप लोगों को वर्कआउट में दूंगी, जिसे आपको दिन में करने होंगे 2 बार. अगर जिसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है उसको ये चीज लिख के रख लेनी है कि आपको वर्कआउट 2 बार करनी है, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है. यहाँ पे मैं जो वर्कआउट दूंगी वो 2 पार्ट में रहेगा. एक रहेगा फुल बॉडी कार्डियो, जो कि आपके फुल बॉडी के फैट को बर्न करेगा. दूसरा रहेगा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे, जैसे कि एक दिन रहेगा फेस का, एक दिन रहेगा आर्म्स का, एक दिन रहेगा बैक का, एक दिन रहेगा बस्ट, बेली, हिप साइज, थाइज एंड ऑल. तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको लगा कि अरे मेरी तो फेस ही बस चबी है, बाकी तो मैं एकदम पतली हूँ. तो ये गलती मत करना ये सोच के कि हाँ हम बाकी छोड़ देंगे, बस फेस फैट वाला कर लेंगे. नथिंग गोना चेंज योर फेस फैट. अगर आप एक दिन फेस फैट का करके छोड़ दोगे तो आपका फेस फैट नहीं जाने वाला है. अगर आपको फेस फैट ही कम करना है उसी के लिए आपको 14 डे पूरा कंप्लीट करना होगा. अगर आपको थाइज ही कम करने हैं तो उसके लिए आपको 14 डे पूरा कंप्लीट करना होगा, उससे फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है. बिना किसी वरीज के इसको कंप्लीट करिएगा. अगर आप डे 1 कर रहे हो तो हैव दैट करेज कि आप डे 14 भी करो, ठीक है. आई नो ठंड का टाइम है, बहुत लोग सोचेंगे यार इतनी ठंड में कौन उठ के 2-2 बार एक्सरसाइज करेगा. ठंड का टाइम है होता है, लोग सोचेंगे कैसे हम ठंड में करेंगे. गाइज यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बहुत भयंकर ठंड है, इवन मुझे सर्दी भी है, बट स्टिल मैं करूँगी आप लोगों के लिए. तो आप लोग बीच में मत रुकना, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं डे 1 में, लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही मोटिवेटेड है, बट बीच में दे आर लाइक पुश, एकदम कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है, कोई व्यूज ही नहीं दे रहे हैं यार. तो इससे तो ना थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग इतना मैं कर रही हूँ और आप लोग का ही लाइक मॉरल डाउन हो गया है. आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए आपका मॉरल डाउन ना हो, आप में मोटिवेशन बना रहे, इसलिए मैं हर वीकली संडे
मोटिवेशन के लिए अपने सब्सक्राइबर्स प्यारे प्यारे और मेरे क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, सो डेट कि आप लोग मोटिवेट होते रहो और ये 40 डे को कंप्लीट कर लो यार। टाइम रुकना नहीं है, टाइम तो निकल ही जाना यूं ही। आप सोते सोते भी निकलोगे तो उसके बाद अफसोस ही करोगे कि यार हमने क्यों नहीं किया, जब दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, राइट। तो इस बार आप लोग खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है मेरे वीडियो में, तो ये चीज आपको अंदर जोश लेकर आना है और अपने सामने लिख लो, आई कैन एंड आई विल। इस 14th February तक यू आर गोना ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फुली फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि आप सच में अब कितने हर आउटफिट में फिट आ रहे हो, एंड वो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो यहाँ पे टोटल मैं 10 वर्कआउट दूंगी, 5 रहेंगे जो कार्डियो करेंगे, 5 रहेंगे जो बॉडी पार्ट पे डिपेंड करते हुए रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाला पार्ट रहेगा थर्ड पार्ट, जो कि है डाइट का और टिप्स का। मैं जिस दिन जो डाइट दूंगी वही आपको उस दिन फॉलो करना रहेगा। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं 1st February का वीडियो 31st January में अपलोड कर दूं, सो डेट कि आप लोग के लिए इजी हो जाए, एक दिन पहले ही आप वो वीडियो देख लो और वो सारे मटेरियल इकट्ठा करके रख लो, ठीक है। मैं इतना आप लोग के लिए कर रही हूँ, मैं बहुत अभी प्री शूट करूंगी सबका, ताकि मैं टाइम पे आप लोग को अपलोड करके दे पाऊँ और बिल्कुल लेट ना हो। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि आप एक दिन पहले दे दो, तो प्लीज़ आई वॉन्ट यू ऑल टू जॉइन दिस चैलेंज। इफ यू आर डूइंग द डे 1 ऑफ दिस चैलेंज, देन Make sure that you will do that day 14th of this transformation challenge also. और यहाँ पे weekends में motivation के लिए transformation pictures रहेंगे, so make sure कि आप लोग का भी transformation आए, so इसको आपको एकदम जोश में करना है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, आई होप मैंने सब कुछ दे दिया है। हर एक इंसान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। आप हाउस वाइफ हो या ऑफिस जाते हो, प्लीज एक घंटा खुद के लिए निकाल दीजिए, एंड दैट्स इट, ओके। तो ये था आज का वीडियो, आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा, वीडियो को लंबा ना किया जाए, तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर देती हूँ मैं। और या मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।